चल। हाँ वो से स्टूडेंट्स थोड़े, कुछ कुछ स्टूडेंट्स डरे हुए रहते हैं कि ये नहीं हुआ, प्रीव्यू नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा। अरे तुम क्वेरी सुनोगे ना, एक से एक क्वेरीज, तुम सोचोगे कि क्या डर लगता है। हाँ देखो लाइन से कॉल्स आएंगे अभी, इसीलिए मैं, चलो लेट्स स्टार्ट। तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा मैंने कल बोला था कि पेज 18 देखना, पेज 18 में क्या दे रखा है इन्होंने, ट्रंकेटेड मीन कैसे निकालें या ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे सॉल्व करें। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंकेटेड। अब जैसे देखो हम बोलते हैं एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये मीन हो गया इफ यू आर सॉल्विंग, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग थ्रू आउट द इंटायर रेंज। बट अगर मैं बोलूँ कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट थ्रू आउट द इंटायर रेंज एल एन यू, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिफाइन कर दे रही हूँ, तो ट्रंकेटेड एक तरीके से मीन निकला है ना। अब आप मीन निकाल सकते हो या एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने या एक्स क्यूब कर दिया मैंने, तो ई टू द पावर, मतलब बेसिकली आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब ऐसे करके निकाल सकते हो, राइट। जैसे मैंने इसको स्क्वायर कर दिया या कोई भी एक नंबर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, तो इसका इन्होंने क्या दे रखा है स्ट्रेट अवे विदाउट सॉल्विंग इट, दे हैव गिवन यू दिस फॉर्मूला विच यू कैन यूज, विच इज देयर इन पेज नंबर 18 ऑफ टेबल बुक, ठीक है। अब देखो यहां पे वेयर योर यू के इज लॉग यू माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा, एल के इज लॉग एल माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा, ठीक है, गॉट इट। तो ये हो गया आपका, इसमें ना इम्पोर्टेंट मार्क कर लो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वील डू। तो ये अब हम लोग प्रूफ करेंगे टेबल बुक का पेज 18। वाई पेजेस आर इम्पोर्टेंट, वाई पेजेस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपको पेज नंबर्स याद करने पड़ेंगे एंड आपको लिखना भी पड़ेगा। याद ऐसे नहीं, जब सम सॉल्विंग करोगे ना अपने आप ये याद हो जाता है। तो चलो इसका पूरा प्रूफ करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। बेसिकली एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है ना। के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। चलो तो लेट्स प्रूव दिस नाउ। चलो स्टार्टिंग विथ, मुझे जल्दी से पीडीएफ बताना लॉग नॉर्मल का, 1 बाय एक्स सिग्मा, लॉग एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर डीएक्स, ये होगा, इसको ऐसे मार्क कर दो 1, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हम लोग करते हैं, दैट लेट टी इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा। अब देख रहे हो ये वो वाला चीज आ रहा है जहां पे एल के और यू के ऐसे लिखा था हमने, एल यू इज इक्वल, तो ये वाला चीज अब यहां से आएगा। हाँ यहाँ पे दे दिया ना 1 बाय एक्स, देखो ठीक है ना। तो अब इसके बाद डी टी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी टी, डी टी क्या हो जाएगा बताओ, दोनों तरफ डिफरेंस करने से ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंसिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाय एक्स सिग्मा, ये माइनस म्यू बाय सिग्मा वाला पार्ट कांस्टेंट 0 हो जाएगा और ये के म्यू वाला पार्ट भी हट जाएगा डीएक्स, गॉट इट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको ना ऐसे कर दो 2, इसको नाम दे दो 2। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स को, ठीक है, क्योंकि हमें एट द एंड एक्स की जगह पे डालना पड़ेगा ना। तो लॉग एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा इज
प्लस के सिग्मा, ठीक है, एक्स डिराइव करना है बेसिकली, क्योंकि सब्सटीट्यूट करेंगे ये सारे चीजें हम लोग ऊपर में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा उसके बाद लॉग एक्स इक्वल्स टी प्लस के सिग्मा प्लस म्यू, एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल टी प्लस के सिग्मा प्लस म्यू, ठीक है। अब अगर मैं, अब देखो एक्स है यहाँ पे, कहाँ कहाँ एक्स है, आपके पास यहाँ एक्स है, आपके पास यहाँ एक्स है, आपके पास यहाँ है, इन सबको आपको सब्सटीट्यूट करना है, बट ये एक्स टू द पावर के है, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक्स टू द पावर के होगा तो इसको कैसे करते हैं, ये वाला चीज पता है, ई टू द पावर ए, इस पूरे में आप के रेस कर दे रहे हो, तो ई ए के हो जाता है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो बेसिकली दिस विल बिकम व्हाट, टी प्लस के सिग्मा सिग्मा के प्लस म्यू के, है ना, एक ही बात है। ये वाला लॉजिक लिख के रखो साइड में, ये सब क्यों लिखना पड़ेगा, जब आप रिवाइज करोगे ना, आपका जो ये कॉपी है, ये कॉपी सब कुछ है, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा समझने में, अदरवाइज क्या होगा ना कि आपको प्रॉब्लम होगी आगे। तो ये हो गया, अब इसको हम लोग सब कुछ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आप इसको दे सकते हो नंबर थ्री, अब इन सबको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वन में, तो लिखो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग थ्री एंड टू इन वन, कॉपी कर लो जिन्होंने नहीं करा है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग थ्री एंड टू इन वन, चलो वन में एक एक करके हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये यहाँ पे लिख देना। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना, हाँ L और U है, अच्छा तुम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब कुछ चेंज करते हैं, तो लिमिट्स भी चेंज होता है ना, तो ये L की जगह अब क्या हो जाएगा, आप बेसिकली क्या करते हो, इफ यू रिमेम्बर सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, टी इक्वल्स ये लिखा है ना, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स की जगह पे एल है ना, जब एक्स के टर्म्स में तब एल है, उसको हम टी के टर्म्स में लेके जा रहे हैं, तो ये भी तो चेंज होगा ना, तो कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे डालो एक्स के जगह पे आप एल डालो, लॉग एल माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा, लेट्स टेक दैट एज एल के, लेट्स टेक दैट एज एल के, ठीक है, लेट्स डिफाइन इट एज एल के, तो ये हो गया आपका एल के, आप लोग देख देना साइड में, वेर एल के इज लॉग एल माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा, सिमिलरली ये यू के हो जाएगा। अब देखो एक एक बार देख लो, फिर मैं टाइम दूंगी करने का, पहले ध्यान दो। अब देखो ये 1/2 सिग्मा, ये एज इट इज लिख रहे हैं, 2 पाई सिग्मा, यहाँ ना जब हम उसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो डी टी इक्वल्स ये पूरा चीज आ रहा था, तो डीएक्स के जगह पे डीएक्स डिवाइडेड बाय एक्स सिग्मा के पूरे जगह पे डी टी लिख सकते हैं, डीएक्स वापस देखो, डीएक्स बाय एक्स सिग्मा कैन बी डी टी, तो वो चला जाएगा, एक्स टू द पावर के है विच इज रिटन एज दिस, ये वाला जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है ना, लॉग एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा विल बी वॉट, टी प्लस के, चलो सब एक एक करके सब्सटीट्यूट करेंगे हम, एकदम ध्यान से सोच सोच के करना है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। एक्स टू द पावर के जगह पे मैं ये पूरा सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, एंड ये जो अंदर था हमारे एक और एक्सपोनेंशियल था माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा है, तो उधर हम लोग टी प्लस के सिग्मा होल स्क्वायर कर देंगे डी टी, ठीक है, ये आ रहे हैं, वेर यू के और एल के क्या है वो लिख देना क्लियरली,
अब इसके बाद e टू द पावर ए एंड e टू द पावर बी इज e टू द पावर ए प्लस बी, है ना? तो ये वाला इसको और इसको ऐड कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं। इसको ना मैं ब्रैकेट्स को खोल रही हूं अभी। टी सिग्मा के प्लस के सिग्मा स्क्वायर, के स्क्वायर भी रहेगा एक। प्लस म्यू के प्लस हाफ टी स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। माइनस टू टू कैंसिल टी के सिग्मा, बेसिकली ये ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैंने एक्सपैंड किया, ठीक है? ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैंने एक्सपैंड किया है। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान देना। के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ये हाफ वाला चीज बचे, मतलब ये और ये और ये हम लोग ले लेंगे, तो क्या बचेगा? हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बचेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, है ना? और कुछ दिख रहा है जो कुछ कट रहा हो? और कुछ नहीं कट रहा, तो क्या बच रहा है? हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू के माइनस हाफ टी स्क्वायर, ये बच रहा है क्या? अब इसमें जो भी टी से इंडिपेंडेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है, तो ई टू द पावर हाफ e टू द पावर म्यू के प्लस हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाहर जा सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, एल के यू के ई टू द पावर क्या बचा? हाफ टी स्क्वायर डी टी। ये अंदर वाला क्या है, कि किसका पीडीएफ है? वेरी गुड, दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ, है ना? द ओनली थिंग इज वी आर इंटीग्रेटिंग दिस पीडीएफ फ्रॉम एल के टू यू के, नॉट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अदरवाइज इट वुड हैव गिवन यू वन, अदरवाइज इट वुड हैव गिवन यू वन। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर म्यू के प्लस हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। और ये क्या है, आप पीडीएफ को इंटीग्रेट कर रहे हो। सो लेट्स से सपोज इफ दिस इज माय पीडीएफ, इन दोनों के बीच दिस इज योर एल के दिस इज योर यू के, इन ये निकाल रहे हो, ये एरिया निकाल रहे हो, सो कैन यू राइट दिस एज सीडीएफ ऑफ यू के, मैंने कल लिखाया था कैपिटल फाइव माइनस सीडीएफ ऑफ एल के, विच इज दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट, दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। देखो इसको पूरा करो कंप्लीट। अब एक इसके बाद ना एक टास्क ले लो, चलो क्वेश्चन ले लो, जहां पे के वन लेंगे एल जीरो लेंगे यू आप इंफिनिटी ले लो, और वो वाला पूरा बेसिकली इसको सॉल्व करना है आपको, जीरो से इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे वन है, इसको सॉल्व करो यूजिंग दिस। चलो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज करना है आपको, प्रूव नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला में सब कुछ बिठाओ, एल के निकालो यू के निकालो, इस फॉर्मूला में बिठाओ, इसको सॉल्व करो।
ये मैंने कॉपी कहाँ रख दिया? क्या करेक्ट। करेक्ट। तो एल के क्या हो जाएगा? लॉग एल विच इज लॉग 0 माइनस म्यू विच इज म्यू ले लेते हैं एक बार, बाय म्यू, म्यू सिग्मा का कुछ वैल्यू दे नहीं रखा हमें, माइनस के सिग्मा, तो सिग्मा लॉग 0 क्या होता है? माइनस इंफिनिटी, माइनस एनीथिंग इज माइनस इंफिनिटी डिवाइड माइनस, तो माइनस इंफिनिटी हो गया। ठीक है, यू के लॉग इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी होता है, तो ये इंफिनिटी हो गया, सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, राइट? सो माइनस इंफिनिटी, अच्छा नहीं ये लिखने का मुझे जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे लिखते हैं, पेज 18 ऑफ टेबल बुक लिखेंगे, हाफ के क्या है 1 है ना, तो स्ट्रेट अवे म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, के इज 1, ये हो जाएगा एल यू के विच इज इंफिनिटी माइनस एल के विच इज माइनस इंफिनिटी, और ये क्या होता है? सी डी एफ 1, और ये क्या होता है? 0, तो 1 माइनस 0 इज ई टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इजी। चलो तो ये हम लोग का लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आप लोग को बहुत इजी है, कुछ नहीं खाली वो ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, टी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा माइनस के सिग्मा, ये बस याद रखोगे तो एक एक करके स्टेप पूरा बन जाएगा। आप लोग देखोगे कुछ कुछ सम्स में आपको पूरा पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ कुछ सम्स में आप सीधा पेज 18 को रेफर कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका कितना का क्वेश्चन मार्क्स कितना है, प्रूफ करने बोला है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, अब एक्स फॉलोज परेटो, खोल लो टेबल बुक अगर है तो, अल्फा कॉमा लैम्डा। ठीक है, इसका मुझे बताना पीडीएफ क्या होता है टेबल बुक देख के। लैम्डा टू द पावर अल्फा, लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा प्लस 1, वेयर योर अल्फा लैम्डा एंड एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे पॉजिटिवली स्क्यूड, क्योंकि हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो ये एक्स तो ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा, अगर आप ऑब्वियसली पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हो तो एक्स तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, है ना? नेक्स्ट, ये हो गया, सीडीएफ भी बता दो। चलो 1 माइनस ठीक है, ये हो गया। चलो तो हम लोग का क्या क्या चीज प्रूफ करना है, हम लोग को वील स्टार्ट विथ पीडी, अच्छा सीडीएफ से स्टार्ट करेंगे, और सी अच्छा अगर मुझे सीडीएफ निकालना है यूजिंग पीडीएफ तो कैसे निकालते हैं, किसको डिफरेंशिएट किसको इंटीग्रेट, मुझे निकालना है सीडीएफ यूजिंग पीडीएफ, पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 to x करेंगे, क्योंकि 0 to infinity करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 0 to x, क्यों? क्योंकि सीडीएफ होता क्या है, क्यूमुलेटिव होता है ना, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी अप टिल पॉइंट x, तो 0 से x के बीच में क्या आपका प्रोबेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं अगर पॉजिटिवली ही स्क्यूड बनाऊं, ये आपका डायग्राम है, तो 0 से ये पॉइंट एक्स तक, 0 से ये पॉइंट एक्स तक ये पूरा हमें निकालना है, ये हमारा सीडीएफ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं पीडीएफ को इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप इस पूरे पार्ट का सम कर रहे हो फॉर वेरी स्मॉल, अच्छा मैं ना एक मीनिंग समझाती हूँ आप लोगों को, शायद ये मीनिंग अभी तक आपने कभी समझा ना हो, ये जो हम पूरा लिखते हैं ना ऐसे डीएक्स, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस डीएक्स,
why do you write this dx? Why do you multiply it with this dx? इसका ना क्या मीनिंग है समझो थोड़ा, मतलब ये क्यों जरूरी है, थोड़ा बेसिक स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए हमें. अब क्या हो रहा है ना, आपको ये रीजन निकालना है ना, आपको इसका एरिया निकालना है. तो कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो पार्ट्स है ना इसको छोटे छोटे एक्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे एक्स में, विच इज नोन एज डीएक्स. दैट स्मॉल पार्ट इज योर डीएक्स, ठीक है, या डी टी या डी एच, वट एवर दैट स्मॉल पार्ट, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स. और ये आपका क्या है, ये जो मैं ऐसे लाइन बना रही हूँ ये पीडीएफ का लाइन है, क्योंकि यहाँ तो आपका पीडीएफ है ना, एफ एक्स है ना ये आपका, तो ये पीडीएफ हो गया. ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये इसको ना इसे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इन टू ब्रेथ. ये हो गया आपका ब्रेथ, ये हो गया आपका लेंथ, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कहां से कहां, फ्रॉम जीरो टू एक्स. दिस इज द आइडिया बिहाइंड इंटीग्रेशन. ये आपको काम आएगा बहुत ज्यादा जब आप सी एम टू पढ़ोगे, सी एम टू में एक्सेल यूज करेंगे. अब एक्सेल में तो कंटिन्यूस कुछ दिखा नहीं सकते, तब हम लोग ये वाला रूल यूज करते हैं, समझते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं. गॉट इट, दिस इज द आइडिया बिहाइंड इंटीग्रेशन. चलो सो ये आपने लिख दिया, अब इसको ट्राई करो तो खुद से, अगर करना हो बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्विंग तो कैसे करेंगे. ट्राई करो खुद से दो मिनट, नहीं तो मैं बताऊंगी और क्या. क्या करेंगे देखो, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा ये तो बाहर ले लेंगे, ठीक है, जीरो से एक्स, लैम्डा प्लस एक्स अल्फा प्लस, ये माइनस हो जाएगा एक्चुअली, माइनस अल्फा माइनस वन डी एक्स. हाँ हो गया. अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, अब तो समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा. अल्फा प्लस एक्स, ए प्लस एक्स होल टू द पावर एनीथिंग क्या होगा, लैम्डा प्लस एक्स ऐड हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो माइनस अल्फा माइनस वन प्लस वन कट हो गया, ये हो गया है ना. इसको हम लोग कर देंगे जीरो से एक्स, चलो हो गया करो. अल्फा अल्फा कैंसिल कर दो ऊपर नीचे है ना, क्या आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ना एक्स की जगह जीरो लगा दिया तो अब इसको ये वाला साइड वन हो जाएगा, तो वन माइनस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा प्रूफ्ड. देख लो कोई डाउट है. नेक्स्ट हुआ लक्ष्य हुआ. नेक्स्ट अब देखो
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है परेटो में, लैम्डा बाय अल्फा माइनस वन वेर अल्फा ग्रेटर देन वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि अल्फा ग्रेटर देन वन क्यों है, क्योंकि अगर अल्फा ग्रेटर देन वन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा इसका मीन. क्यों अनडिफाइन कहां से हो जाएगा, अगर अल्फा लेस देन वन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा ना. जीरो ले लो नेगेटिव आएगा, माइनस टू ले लो नेगेटिव आएगा, बट मीन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव. इसीलिए रिस्ट्रिक्शन होता है परेटो में. दैट मीन, अब आप बोलोगे कि मैम तो अल्फा का वैल्यू कोई भी अगर वन से कम है तो क्या उसका मीन नहीं निकाल सकते. नहीं, नहीं निकाल सकते. गॉट इट, ठीक है. तो आर प्रोग्रामिंग में एक बार ट्राई करना निकालने का. अगर निकलते हैं आर प्रोग्रामिंग में परेटो डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं डाला हुआ रहता, जैसे हमने क्यू गामा, गामा एक्सपोनेंशियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब का रहता है ना, बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस रहते हैं, वैसे परेटो का नहीं रहता, हमें बनाना पड़ता है परेटो का, ठीक है. तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो चलो ये है, नाउ वी विल प्रूव फॉर एक्सपेक्टेशन एज वेल. तो कैसे निकालते हैं बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वॉट, एक्स से एक्स एफ एक्स डी एक्स जीरो से इंफिनिटी. चलो एफ एक्स सब्सटीट्यूट कर लो और ट्राई करो सॉल्व करने का. एफ एक्स क्या होगा, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर डीएक्स. अब एक हिंट ले लो, सुन लो कैसे करेंगे इसको सॉल्व. एक्स लैम्डा टू द पावर अल्फा तो बाहर आ जाएगा है ना, इसमें आप या तो इसको बिना बाहर लिए, इसको अगर आप बाहर नहीं लोगे तो ठीक है, इसको बाहर ले लो. ऐसे करो, एक में करो, एक एक्स वाला टर्म है तो एक्स प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा है ना, एक्स न्यूमरेटर में एक्स प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस लैम्डा एक साथ लिख लो और एक माइनस लैम्डा अलग से, दो इंटीग्रेशन बन जाएगा. फिर उसको सॉल्व करो तो अल्फा और लैम्डा टू द पावर अल्फा मैं बाहर ले रही हूँ, जीरो से इंफिनिटी ये हो जाएगा एक्स प्लस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा प्लस वन डी एक्स माइनस जीरो से इंफिनिटी लैम्डा बाय लैम्डा प्लस एक्स अल्फा प्लस वन डी एक्स. ये हो गया, ठीक है. अब ये हो जाएगा लैम्डा प्लस एक्स होल टू दी पावर माइनस अल्फा, क्योंकि वो एक कैंसिल हो गया है, देख लो, माइनस जीरो से इंफिनिटी अगेन लैम्डा लैम्डा प्लस एक्स माइनस अल्फा माइनस वन डी एक्स. अब इसको सॉल्व कर सकते हो, लैम्डा प्लस एक्स माइनस अल्फा बाय माइनस अल्फा जीरो से इंफिनिटी माइनस लैम्डा लैम्डा प्लस एक्स माइनस अल्फा माइनस अल्फा. ये इसे करी हूं देखो है ना. अब सब्स्टिट्यूट करो, चलो इन्फिनिटी एक बार देख लो, इन्फिनिटी डालेंगे हाँ प्लस वन होगा, सॉरी प्लस वन होगा, प्लस वन होगा हाँ. अब अगर एक बार देखना फर्स्ट वाले में, अगर यहां इंफिनिटी डालेंगे, इंफिनिटी प्लस एनीथिंग इज इंफिनिटी
ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या है, इंफिनिटी टू द पावर समथिंग माइनस में, तो वन बाय इंफिनिटी है, तो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो. अब आप बोलोगे मैम क्यों ऊपर भी हो सकता है, बट अल्फा हम लोग क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन. अब यहीं पे एक बार देख लो क्यों मैंने वो अनडिफाइंड लिखवाया था, प्लीज एक बार देख लो इधर पे. अगर यहाँ पे वो लॉजिक आता है कि अल्फा ग्रेटर देन वन क्यों है, अगर अल्फा लेस देन वन होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वन माइनस समथिंग, ये पॉजिटिव आता है, ये फिगर ये पॉजिटिव आता, मतलब ये इंफिनिटी हो जाता पूरा अनडिफाइंड, पूरा का इंटीग्रेशन इंफिनिटी आ रहा है, अनडिफाइंड हो गया ना वो चीज. तो इसीलिए ये लॉजिक यहां से भी आप मान सकते हो, तो मैथमेटिकली आल्सो यू कैन नॉट सॉल्व इट, सो आर प्रोग्रामिंग विल आल्सो नॉट गिव यू द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका. अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले वाला आपका जीरो आ गया, ये चीज क्लियर है कि जीरो कैसे आया, क्योंकि x की जगह इन्फिनिटी एंड दिस इज एक्चुअली वन डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस x होल टू द पावर अल्फा माइनस वन, अल्फा इज ग्रेटर देन वन, तो x की जगह इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो वो जीरो हो गया माइनस. अब ये जीरो डाल रहे हो आप, ठीक है, तो मैं ना नीचे करके एक बार मैं लिख रही हूँ, ये देखो वन माइनस अल्फा, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन, है ना. एक चीज अगर मैं करूं, एक बार देख लो, एक बार देखो फिर मैं टाइम दूंगी लिखने का. मैं ना माइनस माइनस कॉमन ले रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस इधर प्लस कर देती हूँ तो इधर भी प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा. मैंने कॉमन ले लिया जस्ट टू कीप इट इन अ सिंपल मैनर, जस्ट टू शो इट इन अ सेम वे, बट इट्स फाइन अगर आप नहीं भी लिख रहे हो, इट्स फाइन. अल्फा माइनस वन हो गया ये माइनस, ये वाला क्या है अगेन माइनस माइनस, ये ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया. इन्फिनिटी डालो वही सेम लॉजिक, तो ये जीरो हो गया, ठीक है. माइनस माइनस एक और माइनस आएगा, तीन माइनस है, लैम्डा प्लस अल्फा और इधर आप जीरो डाल रहे हो तो लैम्डा टू द पावर अल्फा, ये हो गया. चेक कर लो अगर कोई डाउट आ रहा है तो. जीरो जीरो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, वन बाय अल्फा माइनस वन लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन माइनस ये लैम्डा भी हटा दो, क्या बचा वन बाय अल्फा लैम्डा, ये आ गया. अब आप लोग एक काम कर सकते हो, लैम्डा लैम्डा होल टू द पावर अल्फा माइनस वन कॉमन ले सकते हो दोनों से, तो अल्फा कॉमन आ गया, एलसीएम ले लो, अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाय, है ना, क्या बचा एंड में, ये एक सेकेंड, ये अल्फा अल्फा कट, इसका भी ये वाला चीज कट हो जाएगा, है ना, और ऊपर में क्या बचेगा, वन खाली, तो ये वाला क्या हो गया बताना, लैम्डा बाय वेयर अल्फा ग्रेटर देन वन, वेयर इज दिस लॉजिक कमिंग फ्रॉम, मैथमेटिकली हियर, ठीक है. चलो इसको कर लो, हो गया पूरा किया है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लिखो कॉमन इंटीग्रल फॉर परेटो
डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्यों कॉमन इंटीग्रल है, जब हम लोग रीइंश्योरेंस वाला चैप्टर करेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये वाला इंटीग्रल काफी हम सॉल्व करते हैं। आई वन 0 से m एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस m m से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो हम लोग जब रीइंश्योरेंस करेंगे तो इसको रिविजिट करेंगे, इस वाले कॉमन इंटीग्रल को, एंड मैं समझाऊंगी m का क्या मतलब है। m इज जस्ट अ कांस्टेंट, ले लो इधर एनी कांस्टेंट नंबर बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, एनी कांस्टेंट नंबर बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, एक बार के लिए ये मान लेते हैं। हाँ, करेक्ट। रिटेंशन लिमिट, ठीक है। तो इसको करते हैं, चलो 0 से m क्या होता है इसका, पीडीएफ याद हो गया होगा अभी तक, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा होल थिंग डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स प्लस 1 डीएक्स 0 नहीं m से इंफिनिटी, इसको कर लेते हैं फिर मैं समझाऊंगी कि नहीं भी करते तो चलता। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज यू आर इंटीग्रेटिंग m से इंफिनिटी किसको, पीडीएफ को, है ना। तो आप आइडियली क्या कर रहे हो, आप ये अगर कोई m है, आप m से इंफिनिटी इंटीग्रेट कर रहे हो, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 1 माइनस एफ एम सी डी एफ ऑफ, मतलब दिस इज आइडियली 1 माइनस दिस पोर्शन, है ना। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे अगर लिखना है तो ये नहीं लिख के आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्या m 1 माइनस एफ एम, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली ऊपर से लेंगे, इंटीग्रल जो हमने ऊपर में प्रूव किया है। ऊपर में हमने क्या प्रूव किया देखो, हमने 0 टू इंफिनिटी का ये पूरा जो प्रूफ करा, कहां तक मैं बता रही हूँ, यहां तक। तो यहां तक तो पूरा सेम है ना, खाली इंफिनिटी की जगह एम है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्स एफ एक्स डी एक्स 0 से m, यहां हमने करे एक्स एफ एक्स डी एक्स 0 से इंफिनिटी। तो यहां तक तो जब तक लिमिट आप नहीं डाल रहे हो सेम है, तो ये पूरा एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं, इंफिनिटी की जगह m कर देंगे। चलो करो, करो खुद से, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, ऊपर से ले लो जाके, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा, या फिर ना आप डायरेक्टली ये भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे बस इंफिनिटी की जगह m लिख देना, है ना, क्यों उसको इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी। तो लैम्डा प्लस एक्स, मैं डायरेक्टली वैसे लिख रही हूँ, अल्फा माइनस 1 लैम्डा प्लस एक्स अल्फा माइनस 1 जीरो से एम, ठीक है। माइनस क्या है, अल्फा लैम्डा बाय अल्फा लैम्डा प्लस एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस m 1 माइनस एफ एम वाला पार्ट तो है ही।
ये माइनस माइनस, ठीक है यहाँ पे भी एक माइनस है. ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट. अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा एम डालो, लैम्डा प्लस एम होल टू द पावर अल्फा माइनस वन प्लस वन बाय जीरो हो जाएगा, तो अल्फा माइनस वन लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस लैम्डा बाय अल्फा लैम्डा प्लस एम. ये माइनस इन्फिनिटी होगा कि खाली इन्फिनिटी अल्फा, ये गलत लिख दिया मैंने, कि खाली होगा ना, खाली अल्फा होगा शायद, देखना एक बार. हाँ खाली अल्फा होगा, उसके बाद माइनस लैम्डा बाय अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा, ये हो गया, प्लस ये एम वाला पार्ट तो है ही. ठीक है, अब देखो कुछ कुछ चीजें कॉमन लेंगे ना तो चीजें कटेंगी. देखो देखना, यहाँ लैम्डा प्लस एम, लैम्डा प्लस एम है, ये दोनों साथ ले लेते हैं, और यहाँ लैम्डा टू दी पार लैम्डा टू दी पार, तो ये दोनों साथ ले लेते हैं. चलो करो, तो अल्फा लैम्डा टू दी पार अल्फा, पहले मैं ये लैम्डा वाला कॉमन ले रही हूँ, लैम्डा प्लस एम वाला, तो कॉमन में अल्फा माइनस वन तक ले सकेंगे, माइनस वन बाय अल्फा माइनस वन हो जाएगा, प्लस लैम्डा बाय अल्फा लैम्डा प्लस एम एक और बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है और मैंने कॉमन अल्फा माइनस वन ले रखा है, प्लस अल्फा लैम्डा बाय लैम्डा, ये कॉमन आएगा, एंड अंदर बचा वन बाय अल्फा माइनस वन, और इधर बचा माइनस लैम्डा बाय अल्फा, प्लस एक बार ध्यान देना एम इंटू, ये एक बार एफ एम बताना क्या होता है, सी डी एफ क्या होता है परेटो का, वन माइनस वन माइनस कैंसिल, फिर एक्स की जगह पे एम लिखना है, ये होगा. चलो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एलसीएम ले लो पहले, एलसीएम ले रही हूं मैं, ये कैंसिल हो गया, अल्फा लैम्डा बचा खाली, ठीक है, प्लस एम अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल, इधर भी कुछ होना चाहिए था, एक सेकेंड, इधर मैंने लैम्डा बाय अल्फा, एक और लैम्डा आता है इधर, वो लैम्डा मैंने क्यों कट कर दिया, लैम्डा यहाँ पे के लैम्डा रह गया ना, किसी ने बोला ही नहीं, के लैम्डा रह गया इधर एक, देखना रह गया ना, तो ये अल्फा लैम्डा होगा है ना,
अल्फा लैम्डा माइनस अल्फा लैम्डा माइनस लैम्डा, तो ये कैंसिल होगा, ये और ये। मतलब मैंने ना ये एक नहीं लिया था, ये जब मैंने कॉमन लिया तो वो मैं भूल गई थी एक लेना। चलो सब काट दिया है तो अब लिखते हैं दोबारा। एक एक काम करना, रुको 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 रुको, और भी चीजें कट रही हैं, इसको इसको भी कट कर देते हैं तो सही रहेगा ना, जितना कम है उतना सही है। क्या बच रहा है ऊपर? माइनस ऑफ लैम्डा प्लस अल्फा एम बाय अल्फा माइनस वन लैम्डा प्लस एम प्लस क्या? अल्फा अल्फा कट रहा है ना, अल्फा अल्फा कट रहा है, तो क्या बचा? लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर हो रहा है। रुको, कुछ गड़बड़ किया था मैंने इधर फिर। एक्चुअली यहीं पे मुझे लैम्डा कट कर देना चाहिए था, जो मैंने किया नहीं। अल्फा माइनस अल्फा प्लस वन आता, ये प्लस रहेगा पहली बात तो। फिर भी अगर हम देखें तो हाँ सही है, ये लैम्डा लैम्डा पहले ही कट हो जाएगा तो वो कुछ गड़बड़ नहीं होगा इधर पे। फिर इसको रीफ्रेम करते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस अल्फा प्लस वन, ठीक है ना? तो ये दोनों कैंसिल, लैम्डा बाय अल्फा माइनस वन बचा। याद है? अब एक काम करो, देखो इधर इन दोनों को ले लो, देखना एक बार इन दोनों को ले लो साथ में। तो अब इन दोनों को लेंगे, ये दोनों कैसे कॉमन आ रहे हैं एक बार ध्यान दो। लैम्डा टू दी पार के, लैम्डा टू दी पार अल्फा, लैम्डा टू दी पार अल्फा, लैम्डा टू दी पार अल्फा है। न्यूमरेटर में लैम्डा प्लस एम अल्फा माइनस वन, सॉरी, एंड लैम्डा प्लस एम, तो क्या हो गया? न्यूमर डिनोमिनेटर में लैम्डा प्लस एम होल टू द पावर अल्फा, जो कि यहाँ पे भी, तो ये दोनों चीजें कॉमन ले लो। होल टू द पावर अल्फा कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर? माइनस लैम्डा प्लस अल्फा एम बाय अल्फा माइनस वन प्लस एम, ये बचा, ठीक है? अब इसको सब्स्टिट्यूट, इसको भी अब आप एलसीएम लेके, ये मैं इसको के कर दे रही हूँ बार बार, इसको भी अब आप एलसीएम ले लो। माइनस लैम्डा माइनस अल्फा एम प्लस एम अल्फा माइनस एम डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन प्लस लैम्डा बाय अल्फा माइनस वन। ये दोनों कैंसिल है ना, बचा लैम्डा प्लस एम, अगर हम कॉमन ले ले माइनस बाहर, अल्फा माइनस वन प्लस लैम्डा बाय अल्फा माइनस वन। रीअरेंजिंग दिस,
ठीक। ठीक, एक बार ध्यान दो फिर मैं टाइम दूंगी करने का। ये क्या है? वेरी गुड, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स फॉलोइंग परेटो, और ये उसमें से कुछ एक माइनस कर रहे हैं। एक तरीके से हम पूरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में से एक टर्म माइनस कर रहे हैं। ये टर्म का क्या मीनिंग है वो हम जब री इंश्योरेंस पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रूव हो गया। चलो इसको करो खत्म।
तो फिर यहां तक हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग देना एस्टिमेशन। देखो CS1 में मेथड ऑफ मोमेंट्स पढ़ा था याद है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन MLE पढ़ा था याद है। अब इसमें हम लोग एक नया पढ़ेंगे मेथड ऑफ परसेंटाइल्स। क्यों करते हैं, क्यों MME MLE क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द लॉजिक टू यूज इट? पैरामीटर एस्टिमेट करने के लिए किसका क्या चीज रहता है आपको दिया हुआ जो आप उसको यूज करते हो? मतलब आपको सैंपल दिया रहता है, यही ना, आपको सैंपल डेटा दिया रहता है, आप पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट करते हो यूजिंग सैंपल, ये तो है। तो आज हम लोग ना रिवाइज करेंगे MME MLE और कल मेथड ऑफ परसेंटाइल्स फिर पढ़ेंगे। चलो तो लिखो, पहला लिखो मेथड ऑफ मोमेंट्स। जो हमने CS1 में पढ़ा है ना, हमने ऐसे किया है, टच करके टॉपिक हम दूसरे में चले गए, टच करके टॉपिक हम दूसरे में चले गए, ठीक है। अब हम यहाँ जाएंगे इन डेप्थ, तो हम लोग काफी कुछ अच्छे से एंड इंटरेस्टिंग लगेगा। आई डोंट नो आप लोग को कैसा लगेगा, बट टुवर्ड्स लिटिल बिट लाइक यू मूव हाफ वे थ्रू CS2, आपको एक्चुअल में स्टेटिस्टिक्स से प्यार हो जाएगा, एटलीस्ट मुझे तो हो गया। चलो एक्स फॉलोस परेटो करते हैं, अल्फा कॉमा लैमडा। आपको क्या क्या गिवन है, समेशन ऑफ एक्स गिवन है 1508, आपको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सैंपल है बेसिकली, एक्स के वैल्यूज गिवन थे उसका समेशन दिया हुआ है उसका 257212, नंबर ऑफ वैल्यूज लिख लो 20। नाउ यूजिंग दिस यू नीड टू एस्टिमेट अल्फा एंड लैम्डा, सो गिविंग यू अ हिंट कि आप कैसे कर सकते हो। आप क्या करते हो, आप सैंपल मोमेंट्स को इक्वेट करते हो पॉपुलेशन मोमेंट से, है ना। तो खोल लो एक बार परेटो का टेबल बुक, पेज नंबर कौन सा है देखना, टेबल बुक देखो एक कैरी करना अपने पास, या फोन में भी अगर है तो फोन में रेडी रखो, अगर कैरी नहीं करने का मन है बट उसको रेडी रखो। पेज नंबर देखना परेटो का, पेज 14 आई गेस, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो चलो हमें पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, लैम्डा बाय अल्फा माइनस 1 व्हिच इज 1508 बाय 20, ये होगा ना मीन, तो ये क्या आ रहा है 70 कुछ कुछ आएगा, देखना क्या आ रहा है। है ना। अब ना इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियंस पॉइंट, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियंस विच विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट एंड अ लेंथी प्रोसेस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कैलकुलेट। अच्छा वेरियंस के लिए भी तो आपको ई टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, है कि नहीं? देखना टेबल बुक में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर गिवन है, टेबल बुक में ये गिवन है देखो आर विच इज एक्स माइनस आर, सॉरी एक्स नहीं है अल्फा है, अल्फा माइनस आर 1 प्लस आर का गामा डिवाइडेड बाय अल्फा का गामा इनटू लैम्डा टू द पावर आर, ये फॉर्मूला गिवन है, देखना एक बार टेबल बुक में। तो इसमें आर के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा माइनस 2 का गामा
वन प्लस टू का गामा डिवाइडेड बाय अल्फा का गामा लैम्डा टू दी पावर टू। याद है? अब गामा वाला चीज हमें याद है, एक बार देख लो, इधर आ जाओ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लो प्लीज। थ्री का गामा इंटीजर है, टू फैक्टोरियल हो जाएगा। कल मैंने लिखवाया था इंटीजर क्या होता है, गामा ऑफ इंटीजर इज एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। एक्स का गामा इज एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, तो टू एंड टू फैक्टोरियल इज टू, टू फैक्टोरियल इज वन इंटू टू, टू। लैम्डा स्क्वायर एज इट इज मैं लिख रही हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। ऊपर में अभी ये अल्फा है, अब क्या तुम्हें पता है कि अल्फा इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है? आर यू श्योर अबाउट इट? क्यों, इंटीजर भी हो सकता है? यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, सो वील कैलकुलेट इट हाउ लाइक अ नॉन इंटीजर, राइट? तो देखो कैसे करेंगे, पहले देखना फिर करना। अल्फा ये वाला नीचे वाला, इसको क्या करेंगे, अल्फा कैसे ब्रेक करेंगे, अल्फा माइनस वन गामा ऑफ अल्फा माइनस वन विच इज अगेन अल्फा माइनस टू गामा ऑफ अल्फा माइनस टू, एंड ऊपर भी अल्फा माइनस टू है गामा, तो ये दोनों कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, टू लैम्डा स्क्वायर बाय अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस टू। विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन, येस और नो? दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये निकाल लो, इसको डिवाइड कर लो 25712 बाय 20 से, ये आएगा दो इक्वेशन दो अननोन। एक बार ध्यान देना, एक बार और ध्यान देना, एक बार और ध्यान देना। देखो लैम्डा बाय अल्फा माइनस वन इज गिवन एज दिस, तो यहाँ लैम्डा बाय अल्फा माइनस वन है, उस पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, फिर भी एक लैम्डा बचेगा ऊपर, है ना? फिर भी एक लैम्डा और ये बचेगा, तो ऐसे दो इक्वेशन दो अननोन आएंगे। सॉल्व करो, मुझे अल्फा का वैल्यू बताओ और लैम्डा का वैल्यू बताओ। चलो ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। या स्ट्रेट अवे लैम्डा की जगह पे आप लोग 75.4 अल्फा माइनस वन लिख सकते हो, उसका स्क्वायर कर सकते हो, एंड वैसे करके अल्फा का वैल्यू पहले निकल जाएगा। मतलब क्या करोगे एक बार देखना, लैम्डा यहाँ पे, दिस लैम्डा इज इक्वल टू 75.4 इनटू अल्फा माइनस वन, तो यहाँ पे ये जो लैम्डा स्क्वायर है इसके जगह पे 75.4 इनटू अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर, एक अल्फा माइनस वन कटेगा एक रह जाएगा, अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा बेसिकली, तो वो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसको सब्सटीट्यूट करके लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। करके बताना, क्या अरे नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम इस पे सब्सटीट्यूट करो ना, जैसे ये 275.4 है क्या, का स्क्वायर अल्फा माइनस वन का स्क्वायर बाय अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस टू इक्वल्स,
ये वाला जो भी आ रहा है ये 20 है, ये इधर आ गया, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा ना कि नहीं आएगा? थोड़ा लॉन्ग है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, तो स्क्वायर के टर्म्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग श्रीधराचार्य। या पहले लैम्डा अगर निकालना चाहो तो लैम्डा निकालना आई थिंक थोड़ा मुश्किल है, पहले अल्फा निकल जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो स्क्वायर आई थिंक नहीं आएगा, फिर स्क्वायर नहीं आएगा ना, श्रीधराचार्य नहीं लगाना। ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है? ये आ रहा होगा 1 2.6 है ना, तो 1 2 8 6 0.6 आ रहा है, ये उधर ले जाओ अल्फा माइनस टू, तब तो स्क्वायर नहीं आना बिल्कुल। फिर इसको स्क्वायर करो, सॉल्व करो, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। क्या हो गया तुमको? तुम नेक्स्ट वीक जा रहे है तो तुमको तो आगे होना चाहिए ना। मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या करके रखना है, वीकेंड पे कर लेना, ठीक है? री इंश्योरेंस कंप्लीट कर लेना। अगर तुम लोग का ऐसा प्लानिंग है और तुम लोग को पता है कि मैं इस वीक जा रहा हूँ, तो मेरे से पहले बात कर लो, मैं बता दूंगी। पहले से कवर करके रखो, आके कवर नहीं होता है, करके जाना है कवर। अब इतना क्यों सोच रहा है, कैलकुलेट करो। कोई बात नहीं, वो एक बार लॉस्ट हो जाते हैं।
सिक्स। हाँ पूरा पूरा बताओ, क्योंकि देखो तुम अल्फा यूज करोगे लैम्डा के कैलकुलेशन में, तो मिनिमम 6 डेसिमल्स यूज करना चाहिए बिकॉज इट्स फॉर इंटरमीडिएट कैलकुलेशन। फाइनल आंसर में तुम 63 लिखो चलेगा, अगर तुम 63 लोगे तो तुम्हारा लैम्डा गलत आएगा। पूरा बताओ, 9 पॉइंट मेरा आ रहा है, 9.62, 9.65। अच्छा मे बी तुम लोगों ने यहाँ पे भी डेसिमल और था क्या, कितना ही था? ये एग्जैक्ट है और ये भी एग्जैक्ट है। अच्छा तुम क्या है, 9.63 दोनों का वही आ रहा है? हाँ तो 5 भी क्या है, 9.6 है अलग। अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा 9 पॉइंट और तुम्हारा 9.633, इतना अलग कैसे आ रहा है दोनों जनों का? टू फाइव सेवन 212/20, 1508, ये यही है क्या? एक बार चेक करना, वापस करो कैलकुलेशन। ये स्क्वायर है इधर, सिक्स पॉइंट नहीं 9 पॉइंट, नहीं, कुछ भी राउंड ऑफ नहीं करो। एक सेकेंड, इसका बताओ, इसका स्क्वायर बताओ क्या आ रहा है? फाइव इंटू टू करके, इंटू टू करके, इंटू टू करो, इसीलिए कर रहे थे। ठीक है चलो ये तुम लोग कर लेना, मैं आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे 6,29,65 एंड यहाँ लिख देती हूँ 650.675873। एक बार आंसर्स लिख लो फिर इसको कर लेना, ठीक है? हाँ करना होता है इसको, तुम 5 डेसिमल्स तक इसीलिए लोगे क्योंकि लैम्डा कैलकुलेशन करना है। एक बार कर लिया फिर तुम राउंड ऑफ करके लिख सकती हो 3 डेसिमल्स तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लिख दिया एक बार ऐसे। चलो मैक लास्ट कर लो आज का, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन 6.9.629। हाँ, इसीलिए देखो गलत हो जाते हैं आंसर, वो मार्क्स नहीं देंगे लास्ट में। एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, मीन दे रखा है, सैंपल मीन एन दे रखा है। चलो निकालो लैम्डा यूजिंग एमएलई। कैसे निकालेंगे एक बार ध्यान देना, लाइक्लीहुड क्या होता है? लाइक्लीहुड इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पीडीएफ, पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल इज लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स आई, यही ना? कितने एक्स आईज है? 1000 XIs है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, लेट्स सपोज मल्टीप्लाई करें, तो देखो लैम्डा टू दी पार एन हो गया, लैम्डा इनटू लैम्डा इनटू लैम्डा एन टाइम्स, तो लैम्डा इनटू एन ई टू दी पार ये ऊपर चला जाएगा, तो जब आप प्रोडक्ट
ऐसे कर रहे हो, क्या हो जाता है, ई ए प्लस बी प्लस सी सम हो जाएगा, तो ये ऊपर में चले जाएगा तो सम हो जाएगा, है ना। तो इसमें माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई, तो क्या हो गया, लैम्डा टू दी पार एन, बस ये रहने दो। अब हम लोग ले लेते हैं दोनों तरफ लॉग, लॉग लाइकलीहुड हो गया एन लॉग लैम्डा माइनस लॉग ऑफ ई ना, तो वो ई और लॉग कैंसिल, अगर नहीं समझ में आए ना तो पूछ लेना, सोचना मत। कैसे कर रहा मैंने देख लो, इसमें भी क्या लॉजिक यूज किया देखो, लॉग ऑफ ए बी इज व्हाट, प्लस लॉग बी, तो ये ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ बी इज व्हाट, लॉग ई टू द पावर दिस थिंग, ये ऊपर आ जाएगा, लॉग ई इज 1, क्यों क्या लॉजिक, लॉग ए एक्स इज एक्स लॉग ए, ये जो ऊपर में होता है वो सामने आ जाता है पावर में जो होता है, क्लियर। ये पता है मैं क्यों लिखवाती हूँ, ताकि आप लोग लिखो, तुम लिख नहीं रहे हो, लिखो साइड में, अभी आपको लग रहा है कि आपको याद है, और जब आप रिवाइज करते हो ना तब आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो मेक श्योर, पता है एग्जाम के 5 दिन पहले लॉग इन्फिनिटी में बच्चे गलत आंसर देते हैं मुझे, तो ये सब कंफ्यूजन ना हो, साइड साइड में लिखते रहा करो, रिविजन टाइम पे बहुत हेल्प होता है, बहुत हेल्प। अब चलो एक एक करके, कैन वी सब्स्टिट्यूट, पहले तो अभी क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, पहले इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, एन बाय लैम्डा माइनस लैम समेशन एक्स आई, मैं आई वाला चीज नहीं लिख रही, आप लोग लिख देना, देयरफॉर लैम्डा हैट क्या हो जाएगा, क्या होगा लैम्डा हैट, एन बाय, ढंग से देखो वो उधर जाएगा नीचे आ जाएगा, बिना सोचे समझे नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि सिंगल पैरामीटर है तो डबल डिफरेंस नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, डबल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा क्या हो रहा है, माइनस एन बाय लैम्डा स्क्वेयर विच इज नेगेटिव, हेंस मैक्सिमम, मैक्सिमा लिख दो, ठीक है। अब यहां पे वापस आएंगे अगर, तो एन इज 1000, समेशन क्या दे रखा है, अच्छा समेशन हमें नहीं दे रखा, मीन दे रखा है, तो मीन इज व्हाट, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये आपका कुछ नहीं है, 1 बाय मीन है, उल्टा है ना, इनवर्स है, विच इज 1 बाय 2200, जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, गॉट इट, दैट्स योर मैक्सिमम। अगर टू पैरामीटर्स है, परेटो हो गया या लॉग नॉर्मल, तो उसके केस में आपको सेकंड डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, और पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, सपोज अल्फा बीटा है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा को कांस्टेंट लेके करते हैं, और जब पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बीटा तो अल्फा को कांस्टेंट लेके करते हैं, गॉट इट, सो लेट्स डू इट टिल हियर, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी मेथड ऑफ परसेंटाइल, एंड उसके बाद में मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंटरेस्टिंग, विद दैट वील फिनिश लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डबल नहीं डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग, हाँ पार्शियल डिफरेंशिएट, हाँ, पर नहीं, तुम डबल डिफरेंशिएट उसमें नहीं करोगे, मतलब ये सेकंड टाइम डिफरेंस उसमें नहीं करोगे, क्योंकि उसमें ना अल्फा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आता है, तो हम लोग के केस में वो नहीं, हम लोग के सिलेबस में नहीं करने बोलते, जब टू पैरामीटर केस है तो आपको सेकंड पार्शियल, सेकंड डिफरेंशिएशन नहीं करना, ठीक है, चलो लेट्स डू इट टिल हियर एंड वील कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर टुमारो, चलो बाय बाय।